अमेजोन कंपनी में मुसलमानों को दी जाती है ये सब सुविधाएं देखकर आपको यकीन नहीं होगा। और रावण के बारे में कुछ ऐसी बातें जो रावण की महानता को दर्शाती हैं, और कोल्ड ड्रिंक के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आप इसे शायद कभी पीना पसंद नहीं करेंगे। और अलवर में एक आदमी को बीवी और गर्लफ्रेंड में से किसी एक की जान लेनी थी, फिर उसने क्या किया जानकर भोजक की हो जाओगे। और गैको किस तरह करता है दुश्मनों से अपना बचाव, और बिजली कैसे बनाई जाती है और कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है जानेंगे आज की वीडियो में। और शेर और टाइगर के बीच संभोग कराने के बाद बच्चा पैदा हुआ कि देख के आपको यकीन ही नहीं होगा। इन सब मजेदार फैक्ट्स के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर वन, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में अब गर्मी अपना कहर बरसा रही है। तड़पती गर्मी में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाए तो मजा आ जाता है। अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत अधिक सेवन करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। इसमें कैफीन के साथ साथ एंटीमनी, लीड, क्रोमियम, कैडमियम जैसे कई हानिकारक पदार्थ होते हैं। साथ ही कोल्ड ड्रिंक पीने से शरीर में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे बार बार इसे पीने का मन करता है। कोल्ड ड्रिंक के लगातार सेवन से अल्जाइमर, डिमेंशिया, डायबिटीज, वजन बढ़ना, लिवर फेलियर और कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, लेकिन अगली बार खुद या अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ाने से पहले इन सब बातों के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। नंबर टू, गैको एक खास प्रकार की छिपकली होती है जो अपनी पूंछ से अजीबोगरीब पदार्थ रिलीज करती है। वैसे तो गैको की कई प्रजातियां देखने को मिल जाती है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा अन्य सभी महाद्वीपों में पाई जाती है, लेकिन गोल्ड टेल गेको इनमें सबसे खास होती है। इसकी पूंछ सुनहरे और काले रंग की होती है, जिसकी वजह से इसे ये नाम दिया गया है। जब भी कोई कुत्ता, बिल्ली, पक्षी या अन्य जानवर इनका शिकार करने के लिए आता है तो ये अपनी पूंछ से पिचकारी छोड़ती है। इससे निकलने वाला पदार्थ काफी बदबूदार होता है और ये जानवरों को इरिटेट भी करता है। हालांकि इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता। गेको कीड़े मकोड़े को खाकर अपना पेट भरती है और इसकी देखने की शक्ति हमारी आंखों से 350 गुना अधिक होती है। नंबर थ्री, कई बार साइंटिस्ट्स अलग अलग प्रजातियों के जानवरों के बीच मैटिंग के जरिए नई प्रजाति के जानवर को जन्म देने की कोशिश करते हैं। टाइगर और लायन दोनों ही काफी ताकतवर जानवर होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इन दोनों जानवरों की मैटिंग कराएं? मेल लायन और मादा टाइगर के बीच को लाइगर कहते हैं, तो वही मादा लायन और नर टाइगर के बच्चे को टाइगोन कहा जाता है। इन दोनों प्रजातियों में से लाइगर ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि मैटिंग के दौरान लाइगर में नर शेर को रखा जाता है। वहीं ज़ेब्रा और डोंकी के बीच भी मैटिंग कराई जाती है और इनके जरिए जिस नस्ल का जन्म होता है उसे जोंकी कहते हैं, जिसकी तस्वीर आप वीडियो में देख सकते हैं। नंबर फोर, पिछले कुछ सालों के दौरान मॉडल्स के बीच जानवरों के साथ फोटोशूट कराने का चलन गया है, लेकिन कई बार ऐसा करना बहुत भारी पड़ जाता है। मशहूर मॉडल जेसिका लेडोल्फ पिछले साल जर्मनी में तेंदुओं के साथ फोटोशूट कराने के लिए शेल्टर में घुस गई। शेल्टर में मौजूद दो तेंदुओं को जेसिका का आना पसंद नहीं आया और उन तेंदुओं ने मिलकर जेसिका पर हमला कर दिया। इस हमले में जेसिका की जान बाल बाल बची, लेकिन उन्हें कई गंभीर चोटें आई। हमले के तुरंत बाद जेसिका को हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका एक ऑपरेशन भी हुआ और कई टांके आए। जानवरों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना काफी खतरनाक हो सकता है। नंबर फाइव, अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? आप कहेंगे कि अगर पत्नी है तो फिर गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, लेकिन ऐसा ही वाकया हाल ही में सामने आया। अलवर के भिवाड़ी से पुलिस को एक लाश बरामद हुई। उस लाश की जाँच करते हुए दिल्ली पुलिस पहुँची, जहाँ महिला की पहचान की गयी। महिला की उम्र मात्र 27 साल की थी और वो ट्यूशन पढ़ाती थी। वो घर में वो 7 से 8 सालों से ट्यूशन पढ़ा रही थी, जहाँ उसे बच्चों के पिता से प्यार हो गया। दोनों के बीच कई साल तक नजदीकियाँ रही। अब जब महिला उस व्यक्ति पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो वो मना करने लगा। महिला ने उससे कहा कि वो अपनी पत्नी का कत्ल कर दे, लेकिन वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और इसके बाद अपने दो नौकरों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। नंबर सिक्स, आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई है और हर धर्म के लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कनाडा में स्थित अमेज़न कंपनी में मुस्लिम लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। नमाज अदा करने के लिए मुसलमानों के लिए छोटे छोटे रूम्स बनाए हुए हैं। उनका लंच हलाल मीट के जरिए तैयार किया जाता है और यहाँ तक कि हलाल लंच का हॉट केस भी बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारी अपने अनुसार काम करने के घंटे और शिफ्ट तय कर सकते हैं। इतनी सुविधा तो शायद मुसलमान देशों में भी मुसलमानों को नहीं दी जाती जितनी कनाडा में अमेज़न की कंपनी दे रही है। नंबर सेवन, रावण ने अपने जीवन में कई गलत काम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी है जो रावण की महानता को दर्शाती है। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो कई घंटों तक भगवान शिव की आराधना करता था। वो शिव जी को हिमालय से लंका लाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक बार कैलाश पर्वत उठा लिया था। इस पर शिवजी क्रोधित हो गए और अपने पैर से कैलाश पर्वत दबा दिया।
रावण को बहुत पीड़ा हुई और वो इस पीड़ा में शिव तांडव करने लगा। इस बात से शिव जी प्रसन्न हुए और रावण को कई शक्तियाँ दे दी। रावण ब्रह्मा जी का भी परम उपासक था और ब्रह्मा जी ने रावण को एक अमृत कुंड दिया जो रावण की नाभि में स्थित था। इस अमृत कुंड को नष्ट किए बिना रावण का सर्वनाश नहीं हो सकता था। राम और रावण के युद्ध के समय विभीषण ने ही इस भेद का खुलासा किया। रावण के पिता ब्राह्मण थे और माता राक्षस वंश की थी, इसीलिए उसके पास ब्राह्मण का दिमाग था और राक्षसों की शक्तियाँ। रावण के शासन काल के दौरान उसकी प्रजा काफी समृद्ध थी और यही वजह है कि आज भी लंका में रावण को जलाने के बजाय पूजा जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, हम अपने घरों के आसपास अक्सर ट्रांसफार्मर देखते हैं और हमें लगता है कि बिजली यहीं से बनकर घरों में आती है, लेकिन ट्रांसफार्मर तो सिर्फ घर तक बिजली पहुंचाने का एक माध्यम होता है। भारत में अधिकतर बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। कोयला की स्टीम पहले टरबाइन तक पहुंचती है जिससे जनरेटर चलता है और उससे बिजली पैदा होती है। अब इस बिजली को थर्मल प्लांट्स की मदद से बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स में स्टोर किया जाता है। इसके बाद बिजली के खंभों और वायर्स से ये इलेक्ट्रिसिटी को शहरों के सब स्टेशन तक पहुंचाया जाता है जहां लोकल ट्रांसफार्मर्स की मदद से आपके घरों तक पहुंचती है। इस पूरे प्रोसेस में काफी मेहनत, समय और लागत लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।